हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बंगाल स्कूल से संबंधित कुछ आर्टिस्ट के क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एलटी गेट और टीजीटी पीएचटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप आपकी ये सारे क्वेश्चंस के प्रिपरेशन हो गए होंगे, और जिन लोगों का ये प्रिपरेशन नहीं हुआ है वो मेरी इस वीडियो को देख कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हेवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है राजस्थानी, मुगल, अपभ्रंश, गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर है बी, मुगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे मुगल शैली, चोलमंडल, बंगाल शैली, पहाड़ी शैली। तो इसका राइट आंसर है सी, बंगाल शैली। अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल शैली से संबंधित थे क्योंकि ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है शारदा उकील, बी सुधीर खास्तगीर, मुकुल डे, ईश्वरी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है डी, ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के कलाकार रहे हैं और सुधीर रंजन खास्तगीर, शारदा चरण उकील, मुकुल डे बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं सुरेंद्र कर, शैलेंद्र, रथिन मित्रा, मुकुल डे। तो इसका राइट आंसर है सी, रथिन मित्रा। अगर आपके बंगाल शैली के सारे कलाकार आपके तैयार हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बंगाल शैली में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर बंगाल शैली से कौन संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इनमें से कौन असंबद्ध है? के एस पणिक्कर, मुकुल डे, एन एस बेंद्रे, अमृता शेरगिल। तो इसका राइट आंसर है बी, मुकुल डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, बी सी सान्याल थे चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, छायाकार। तो बी सी सान्याल थे चित्रकार, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, बंगाल शैली के जनक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो बंगाल शैली के जनक थे अवनींद्रनाथ टैगोर, ये बंगाल शैली के जनक माने जाते हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही वॉश पद्धति को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली, बंगाल शैली। तो इसका राइट आंसर है डी, बंगाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? ईवी हेवेल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कहलाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी रॉय। तो इसका राइट आंसर है बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिल्हार्डी, मदुरई का चित्रकार अलागिरी नायडू, थियोडोर जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व ने किया? नंदलाल बोस, यामिनी रॉय, जेपी गांगुली, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात है? कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, पटना स्कूल। तो इसका राइट आंसर है बी, बंगाल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? बी सी सान्याल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी रॉय। तो इसका राइट आंसर है बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, बंगाल स्कूल से, क्योंकि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से ही आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटीन, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? पटना स्कूल, बिहार स्कूल, बंगाल स्कूल, ईस्टर्न स्कूल। तो इसका राइट आंसर है सी,
बंगाल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए, सेरीग्राफी, अपारदर्शी वर्ण चित्रण, जल रंग टेक्निक, पोर्ट्रेचर। तो इसका राइट आंसर है सी, जल रंग टेक्निक, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही वॉश पद्धति का प्रारंभ किया था और इन्होंने ही वॉश पेंटिंग में सबसे प्रसिद्ध इनका चित्रण था भारत माता, जो 1905 ईस्वी में बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए, टेम्परा, तैल, जल रंग, ग्वास। तो इसका राइट आंसर है सी, जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एन टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीक दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या देन है, तैल चित्रण, मिश्रित रंग माध्यम, वॉश चित्रण, पेस्टल चित्रण। तो इसका राइट आंसर है सी, वॉश चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉश चित्रों से संबंधित है बद्रीनाथ आर्य, सुधीर रंजन खासगीर, वीरेश्वर सेन, मदनलाल नागर। तो इसका राइट आंसर है ए, बद्रीनाथ आर्य, क्योंकि बद्रीनाथ आर्य संबंधित है वॉश चित्रण से और इनकी वॉश चित्रण में एक पेंटिंग है गंगा अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वॉश टेक्निक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन टेक्निक है इटालियन है, मंगोलियन है, ईरानियन है, चीनी जापानी है। तो इसका राइट आंसर है डी, चीनी जापानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्धति वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई, लखनऊ स्कूल, नालंदा स्कूल, बंगाल स्कूल, दून स्कूल। तो ये स्टार्ट हुआ है बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट है, बंगाल कला शैली किस टेक्निक से जानी जाती है, तैल टेक्निक, लघु चित्रण टेक्निक, वॉश टेक्निक, टेम्परा टेक्निक। तो इसका राइट आंसर है सी, वॉश टेक्निक से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया, ऑप्शन है तैल, टेम्परा, वॉश, पेस्टल। तो इसका राइट आंसर है सी, वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ, ऑप्शन है लखनऊ, पटना, शांति निकेतन, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है शांति निकेतन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए, 8 बार, 10 बार, आवश्यकता अनुसार 11 बार। तो इसको डुबाना चाहिए आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता के चित्रकार कौन थे, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, गगनेंद्रनाथ टैगोर। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत माता पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की, जिसे उन्होंने वॉश पद्धति में बनाया था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है, असित कुमार हल्दर, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो औरंगजेब का बुढ़ापा प्रसिद्ध कृति है अवनींद्रनाथ टैगोर की, उसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में से कौन नहीं है, देव प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एल एम सेन, गोपाल घोष। तो इसका राइट आंसर है डी, इनके शिष्यों में से गोपाल घोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इनका जन्म हुआ है ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ, मुंगेर, कलकत्ता, 24 परगना, शांति निकेतन। तो इसका राइट आंसर है ए, मुंगेर, क्योंकि इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, शैलेंद्र मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है सी, नंदलाल बोस, क्योंकि इनका उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है, सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, वनस्थली विद्यापीठ, शांति निकेतन। तो इसका राइट आंसर है डी, शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, कि नंदलाल बोस ने। तो इसका राइट आंसर है डी, नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था, शैलेंद्रनाथ डे, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, गगनेंद्रनाथ टैगोर।
तो इसका राइट आंसर है बी, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने ही हरिपुर कांग्रेस के बैनर को तैयार किया था और उसका शीर्षक रखा था ग्रामीण दृश्य या फिर ग्रामीण किसान, और इसको इन्होंने तैयार किया था 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं के जी सुब्रमण्यम, देवीप्रसाद राय चौधरी, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस। इसका राइट आंसर है डी, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? नंदलाल बोस, जामनी रॉय, ए के हल्दर, के हैब्बर। इसका राइट आंसर है ए, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए, राधा और कृष्ण, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, शब्द और प्रतीक माँ। तो इसका राइट आंसर है बी, जमीन जोतने वाला या भारतीय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए, भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत। मैंने आपको अभी बताया था कि उनका जो टॉपिक था वो था भारतीय ग्राम्य जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनो कट टेक्निक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे, रामकिंकर बैज। इसका राइट आंसर है बी, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए, यथार्थवादी, के हैब्बर, पिकासो, अजंता भित्ति चित्र। इसका राइट आंसर है डी, अजंता भित्ति चित्र, क्योंकि नंदलाल बोस के कला जीवन में मुख्य परिवर्तन अजंता भित्ति चित्र देखने के बाद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, ज्यामिनी रॉय, असित कुमार हल्दर। तो इसका राइट आंसर है ए, नंदलाल बोस। इन्होंने चित्रित किया था संथाल स्त्रियों को, और प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज ने की जो प्रसिद्ध मूर्ति थी वो थी संथाल परिवार, जो 1937 में उन्होंने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था? नंदलाल बोस ने, गंगनीनाथ ठाकुर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर है ए, नंदलाल बोस ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम? असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, चितेंद्रनाथ मजूमदार। तो इसका राइट आंसर है बी, नंदलाल बोस। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हल्दर ने, चितेंद्रनाथ मजूमदार ने, नंदलाल बोस ने। तो इसका राइट आंसर है डी, नंदलाल बोस ने ही भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ सुसज्जित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे? नैथेनियल हर्ड, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़, असित कुमार हल्दर। इसका राइट आंसर है डी, असित कुमार हल्दर। ये लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे 1925 ईस्वी में। इसके पहले 1911 में हुए थे नैथेनियल हर्ट। ये भारतीय नहीं थे, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य, तो पहले भारतीय प्रधानाचार्य हुए थे 1925 में असित कुमार हल्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन है ये। असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, लखनऊ। इसका राइट आंसर है डी, लखनऊ। ये रहे बंगाल स्कूल से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और ये आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।